प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली के माइक्रो एंटरप्रेन्योर सीरीज में सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किस तरह से आपको और भी ज्यादा सशक्त बनाया जाए, विशेषकर अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, अगर आप एक बेरोजगार हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो आपको किस तरह से किसी रोजगार की तलाश नहीं करना है, बजाय कि खुद ही एक रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिशा में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये सीरीज हमने शुरू किया है। और अगर आपको आर्थिक और सामाजिक विकास चाहिए, यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में एक आर्थिक सफलता चाहिए, संतुलन चाहिए, वित्तीय सुरक्षा चाहिए, यानी कि आपको अगर आप डिजायर करते हैं एक इकोनॉमिक सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और विशेषकर अगर आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और जहां की आपको फंड की कमी है, तो किस तरह से आप फंड भी जमा कर सकें और बिजनेस को बेहतर से प्लान कर सकें, सुचारू कर सकें, इसी दिशा में, यानी कि बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में यह सीरीज है जो कि आपको एक कुशल उद्यमी बनाएगा। तो तत्काल हम उन लोगों के लिए कवर कर रहे हैं जो कि अभी तक कोई भी व्यापार में नहीं संलिप्त हुए हैं, पर दिमाग में कहीं न कहीं फितूर है, जुनून है, कुछ करने की इच्छा है, रुपया कमाने की है, पर पता नहीं चल रहा है या पता चल रहा तो अस्पष्ट है। तो सबसे पहला तो आप यह काम कीजिए कि अपने दिमाग में स्पष्टता लाइए कि कौन सा व्यापार आप करना चाहते हैं और उसमें कितना पूंजी चाहिए। अगर वह पूंजी 50,000 या उससे कम चाहिए, तब यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही रामबाण के रूप में सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में प्रमुखतः बात करने जा रहा हूं शिशु मुद्रा लोन योजना के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के तहत आता है, जहां कि आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं बड़ा ही रियायती दर के सूद पर। आपको बिजनेस में तो एक उछाल देगा ही और एक सक्सेसफुल हाइट, जो कि आप अपना ड्रीम रखते होंगे, वहां की शुरुआत कर सकते हैं। तो यह वीडियो है जो कि सूक्ष्म या गृह उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, यानी कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, या छोटे मोटे कर रहे होंगे किसी तरह का, अब उनमें हुनर है लेकिन उस हुनर को मार्केटेबल नहीं बना पा रहे हैं। तो अब यह समय आ चुका है आप अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाएं इस जानकारी से। तो यह शिशु मुद्रा योजना आपके लिए अटमोस्ट एडवांटेजियस होने जा रहा है, जो कि आप अप्लाई करेंगे और 50,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह लोन आपके बिजनेस में, छोटे से बिजनेस में उछाल दे सकता है, तो आपको आज की इस वीडियो को लाइन बाय लाइन सुनना चाहिए, समझना चाहिए और करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस शिशु मुद्रा लोन जो है, इसके हम कुछ प्रमुख बिंदुओं, जो खास बिंदु है, सेलियंट फीचर्स, इससे सबसे पहले मैं अवगत करा दूं। तो यह आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देता ही है, और यह सपोर्ट होता है नॉन कॉर्पोरेट के लिए, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए, यानी कि सूक्ष्म है, लघु है, और जो नॉन एग्री एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए। और यह छोटी सी ही रकम होती है, 50,000 आज के समय में बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन यह आपके बिजनेस में एक प्रारंभ दे सकता है, उछाल दे सकता है, जिसका इस्तेमाल आप मशीनरी, इक्विपमेंट, अपैरेटस या कई तरह के टूल्स, टेस्टर्स को खरीदने में कर सकते हैं। और यह आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में भी, जो डे टू डे ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने में, इसके लिए भी यह प्रदान की जाती है। और सबसे बड़ी खासियत है इस शिशु मुद्रा लोन के लिए कि कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार की संस्था ने इस मुद्रा लोन को इंपावर्ड किया है, जिसका नाम है NCGTC, यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है, और क्रेडिट गारंटी है माइक्रो यूनिट द्वारा, जो कि सीजी
एफएमयू द्वारा क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं जो कि आपके लिए गारंटी ले रहे हैं और इस प्रकार से यह 5 साल देते हैं और 5 साल के अंदर ही आपका लोन क्लोज हो जाना है। तो आपको कोलेटरल यानी कि गिरवी मॉर्गेज कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि किसी भी तरह के गारंटर गारंटी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें हाइपोथिकेशन होते हैं, जो आप मटेरियल खरीद रहे हैं मशीनरी खरीद रहे हैं इन सब चीज का हो सकता है। आप यह लोन अवेल कर सकते हैं और 5 साल तक आप रिटर्न कर सकते हैं और इसकी सूद भी बहुत ही कम होती है। इसकी प्रोसेसिंग फी जो शिशु मुद्रा लोन है 0% है, यानी कि जो भी डिसबर्स होगा आपके अकाउंट में सीधा ही आ जाएगा। इसका शिशु मुद्रा लोन जितने भी लोन प्रोडक्ट हैं इन सब में सिंपलेस्ट और इजीएस्ट माना जाता है। अब यह तो आप खास बिंदु को जान गए, तो निश्चित है आप इंटरेस्ट रेट जानेंगे। यह इंटरेस्ट रेट आप यह समझ लीजिए कि इसमें बड़ा ही आसान और ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया गया है, जिसमें बैंक अपने मनमानी तरीके से नहीं सूद आपसे वसूल सकते हैं। आरबीआई ने डिफाइंड किया है MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, इसके अनुसार ही होता है और उसका ब्रेकअप होता है। अगर 50,000 तक लोन लेते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए तो यह MCLR प्लस SP है, और अगर स्मॉल इंटरप्राइजेज है तो MCLR प्लस SP और बैंक लोड अपना डालती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1% पर मंथ से भी कम शिशु मुद्रा लोन, यानी कि आज के डेट में मैं कहूं तो 9.75% के हिसाब से ही प्रति वर्ष आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप 50,000 के लिए कर रहे हैं तो आपके 500 से 600 ही मात्र आएंगे। इसके इंडस्ट्री की बात करूं कि शिशु मुद्रा लोन में कौन कौन से उद्यमी शामिल हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप स्वरोजगार एंटरप्रेनर हैं, किसी भी तरह की हुनर रखते हैं, कुशलता रखते हैं, उसके लिए अगर कुछ जरूरत है तो वह इक्विपमेंट टूल टेस्टर आपको दिला सकता है। हैंडीक्राफ्ट मैन है, अपने हाथ हस्तकरघा कोई करना चाहते हैं, आप एक छोटा व्यापारी हैं, शॉपकीपर हैं, रिटेलर हैं या बिजनेस वेंडर हैं, जाजा के सर्विस सप्लाई करते हैं, मीडिएटर की काम करते हैं, इसके साथ ही किसी चीज को आप रिस्टोरेशन या रिपेयर शॉप चलाते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल हो सकता है या किसी तरह का मशीन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या किसी भी तरह की सर्विस बेस्ड कंपनी आप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, तो ये सब करके आप अपना एक खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं, बजाय कि आजीवन या जीवन के किसी हिस्से में बेरोजगार रहने के। अब इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है शिशु मुद्रा लोन के लिए, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लाभार्थी हैं, आप हैं दर्शक या आप अगर नहीं है तो आपके मित्र संबंध ही या किसी हो सकते हैं, यह जानकारी आप उन्हें भी साझा कर सकते हैं। तो जो भी लोन लेना चाहते हैं उनके मस्तिष्क में सबसे पहला प्रिपरेशन यही होता कि मस्तिष्क में स्पष्टता होना चाहिए कि किस तरह का वो काम करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस आइडिया की बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए और इसके साथ ही किस तरह की बिजनेस करेंगे, उसमें कौन से टाइप के क्वांटिटी जो है, कितने चाहिए, मशीनरी नीडेड है, इक्विपमेंट अपरेटस टूल्स टेस्टर क्या चाहिए और कहां से खरीदना है, इन सब की जानकारी आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। और इसके साथ ही जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है यह आपको रखना होता है, देखना होता है कि उसमें क्या क्या जानकारी चाहिए। तो यह तो प्रिपरेशन हो गया। अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो मैं आपको स्टेप बाय बताता हूं। पहला स्टेप जो है इसमें लोन लेने के लिए, आपको अप्रोच करना है इंटरमीडियरी को। इंटरमीडियरी का मतलब आप यह समझिए कि वह लेंडर, वह उधारकर्ता, जिसमें कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो कि मुद्रा लोन देने के लिए इनरोल्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसी जो मुद्रा है वहां से वो खुद इनरोल्ड हैं, जो कि भारत के लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ ही जो ग्रामीण बैंक हैं, ये सब मुद्रा लोन भारत में देते हैं। अब आपको
यह फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया कि इंटरमीडियरी को अप्रोच करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोन अप्लाई करने से पहले आपको यह जान लेना है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से डिफॉल्टर घोषित नहीं किए गए हैं, क्योंकि लोन देने से पहले यह आपको चेक करेंगे। कई बैंक हैं जो सिविल स्कोर भी देखते हैं और जहां आपका डिफॉल्ट पता चल जाएगा, तो यह आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आप कहीं भी डिफॉल्टर साबित नहीं किए गए। अब अगर पहला स्टेप आपने पार कर लिया तो सेकेंड स्टेप बताता हूं, जो कि बड़ा ही इजीएस्ट और सिंपलेस्ट है। यह है डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए ही हर काम के लिए। तो इसका पहला जो प्री रिक्विजिट है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, इसमें उस लेंडर के साथ, बैंक के साथ आपका सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऑन द स्पॉट भी आप खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे क्या क्या है, जो कि बाद में वेरिफिकेशन किए जाते हैं उस लेंडर के द्वारा। इसके लिए बड़ा ही सिंपलेस्ट और बड़ा ही छोटा मात्र 2 पेज का मुद्रा शिशु लोन का एप्लीकेशन है, जो कि मुद्रा के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या जो लेंडर है वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्रिंट करके आप भर लीजिए और फिर आप इंटरमीडियरी यानी बैंक के पास जाइए। जब आप वहां जाते हैं इस फील्ड एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए, जो कि बुनियादी ही आज हो गया केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसके तहत आधार कार्ड आते हैं, पैन कार्ड आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, जिसमें आपको मूलतः खुद का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ साबित करना होता है, जिसके लिए आपको ओरिजिनल और उसका जीरोक्स कॉपी भी उस लेंडर के पास ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो आप सामान खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हो, मशीनरी हो, उसके लिए कोटेशन भी आपको चाहिए उस मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए। इसके साथ ही और क्या क्या आप खरीदना चाहते हैं, इन सब का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास उन मशीनरी या इक्विपमेंट या मटेरियल के जो प्रोवाइडर हैं, सप्लायर हैं, वेंडर हैं, उनके भी डिटेल्स एड्रेस होने चाहिए, ताकि उन्हें वेरीफाई किया जा सके। और अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी देना है कि हम बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने की जरूरत पड़ सकती है। एक बार जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना दे दिया, इसके सारे जो जरूरत वाले डॉक्यूमेंट थे ये सब के साथ फॉर्मेलिटी आपने कंप्लीट कर लिया, तब शिशु मुद्रा स्कीम के तहत आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा आपके बैंक के द्वारा, और यह आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगा। अब इसके लिए यह देखना है कि जो आपने प्रपोजल दिया है, ये बैंक की भूमिका होती है कि उसके फिजिबिलिटी वायबिलिटी का अध्ययन करना, और उस अध्ययन के बाद ही आपको टर्म एंड कंडीशन अगर मीट कर रहे हैं तब आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। यह लोन टर्म जो है रीपेमेंट पीरियड, जो कि 1 साल से 5 साल के अंदर आप तय करवा सकते हैं, या बैंक देखेगी कि आप कितना इनकम जनरेट हो रही, इसके हिसाब से वो तय करेंगे। इसके प्रोसेसिंग टाइम जो है 5 से 7 दिन तक का है। कुछ लेंडर तो प्री अप्रूव्ड मुद्रा लोन जो ऑनलाइन फैसिलिटी के तहत है ये भी प्रोवाइड करते हैं, और इस मुद्रा लोन के लिए, शिशु मुद्रा के लिए स्पेशली, आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। कई लेंडर्स इस फैसिलिटी को देते हैं और बगैर ब्रांच विजिट किए हुए ही आपका लोन सैंक्शन भी हो जाएगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कैसे दिया जाए, तो ई मुद्रा के नाम से आप उस लेंडर में जाइए, सर्च कीजिए, देखिए उनके वेबसाइट के होम पेज में जाइए देखिए, और नहीं तो आप ई मुद्रा पोर्टल में उस बैंक के जाइए और वहां आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई नाउ बटन होता है, होम पेज में ही होगा ई मुद्रा, और उसके सारे इंस्ट्रक्शन है, उसको गौर से पढ़िए, हुआ हिंदी इंग्लिश या और भी मल्टीलिंगुअल में हो सकता है, उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, ओके करके आप प्रोसीड करके आगे पेज खुल जाएगा, और वहां आप अपना मोबाइल नंबर, सेविंग करेंट अकाउंट नंबर जो है, या रिक्वायर्ड लोन अकाउंट जो है, जिस टाइप का आप चाहते हैं, जिस वेरिएंट का, जैसा कि हमने अपने पहला वीडियो में ही बताया था कि मुद्रा के 3 वेरिएंट होते हैं, शिशु, किशोर और
तरुण। तो तत्काल में शिशु के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है वो वेरिएंट और आगे बढ़ जाना है प्रोसीड बटन करके। उसमें सारे रिक्वायर्ड डाटा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां आपको भर देना है और ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर करके, जो कि आप डिजिटली इतना आप स्मार्ट होंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सबको अपलोड कर देना है, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट को, और आपको एक्सेप्ट कर लेना है ई मुद्रा टर्म एंड कंडीशन विथ ई साइन। ई साइन क्या होता है, इसे आपको बचाता है ब्रांच विजिट करने से। 50,000 तक के लिए ई साइन से ही आप कर सकते हैं। यहां ई साइन करने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना आधार नंबर वहां विंडो में देना होता है और टिक करना है कंसेंट चेक बॉक्स। जैसे आप करते हैं तो यह आधार आपको ई साइन देगा और आपके मोबाइल में जो रजिस्टर्ड आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहां ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को आपको इंटर करना है और आपका ई वेरिफिकेशन हो गया। इस तरह से ई मुद्रा फैसिलिटी आपको बड़ा ही सिंपल बनाता है लोन सैंक्शन के लिए, जो कि मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और फास्टर अप्रूवल भी कराता है। कई बैंक 24 घंटे के अंदर भी सैंक्शन डिसबर्स करने को कमिटेड हैं और वो करते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि अगर अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ बिजनेस की आइडिया है या किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, आप रोजगार कर नहीं पा रहे, पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया है, किसी के दूसरे के बिजनेस को देख के कुछ ना कुछ आइडिया है, तो अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है और शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर देना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो आपको न कि शिशु मुद्रा लोन दिलवाएगा, बल्कि अपने मित्र, रिश्तेदार या जिस किसी जरूरतमंद के साथ आप यह नॉलेज साझा करके उनका भी कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका समाज के प्रति भी उनका उत्थान करने का हमारा दायित्व है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस दायित्व का वहन करेंगे और हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय दिया नरेंद्र कुमार एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो किशोर मुद्रा लोन के साथ।